हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। डेली का टाइम क्या है मेरे भाई? 2:33 टाइमिंग है। सर जी आज तो लेट हो गई वीडियो। भाई ये पूरी वीडियो एक बार हमने बनाई थी, खराब हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, उसी एनर्जी को लाने की कोशिश करेंगे और डेली 2:33 पे आप मिलते रहना मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्न ओवर नंबर। हमने आपको बताया था भाई, क्या बताया था हमने आपको एक पूरा इंपॉर्टेंट पेपर दे रखा है और उस पेपर को हम लोग 20 दिन के अंदर हल करने वाले हैं। तो कल जो पहली वाली वीडियो थी आपको कैसी लगी, कैटालिसिस वाली कमेंट में बताओ और फटाफट से समझ लो टर्नओवर नंबर क्या होता है। लो मेरे भाई समझाते, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? अरे हटाओ ओवर ओवर, टर्न समझो यार। टर्न का मतलब क्या होता है? परिवर्तित हो जाना, इससे ये बन जाना। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आओ दिखाते हैं मेरे भाई तुम्हें। सुनो, कोई भी रिएक्शन कैसे होती है बताओ। मान लिया ए ने क्रिया करी बी से, क्या बनाया सर जी? सी बनाया। क्या बनाया? डी बनाया। अब जो लोग क्रिया कर रहे होते हैं, जो लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? उन्हें सब्सट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सट्रेट कहते हैं। हिंदी में कहें तो अभिकारक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो लोग बन रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। अब लो मेरे भाई, नाम ही है टर्नओवर। कल हमने आपको पढ़ाई थी कैटालिसिस। कैटालिसिस में क्या था? उत्प्रेरक था। उत्प्रेरक क्या करता था? क्रिया को करा देता था। जैसे मेरे भाई उत्प्रेरक क्रिया को कराता है, कैटालिस्ट क्रिया को कराता है, वैसे ही जो जीवों की क्रिया है, जीव कौन? हम लोग मेरे भाई। जो जीवों की क्रिया है उन्हें कराते हैं एंजाइम। कौन कराते हैं? एंजाइम कराते हैं मेरे भाई। तो सरल भाषा में कहें तो एंजाइम भी एक तरीके के उत्प्रेरक ही होते हैं, जो हम जैसे गरीबों के जीवों की क्रियाओं को कराते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब होगा क्या? ये क्या है? सब्सट्रेट है, जो क्रिया करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये क्या है? जो क्रिया करके बने हैं, यानी प्रोडक्ट हैं। इन लोगों की क्रिया को कौन करा रहा था? उत्प्रेरक करा रहा था। अगर जीवों में ये क्रिया होगी मेरे भाई, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, तब उन्हें कौन कराएगा? एंजाइम कराएगा। तो अब किस तरीके से एंजाइम उसे परिवर्तित कर रहा है? हर एक सेकेंड में कितने सब्सट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हर एक सेकेंड में रिएक्शन क्या हो रही है कि क्रिया करने वाले कैसे उत्पाद में बदल रहे हैं, उसी को तो टर्नओवर नंबर कहते हैं मेरे भाई। बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पक्का हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या है टर्नओवर नंबर? लो देखो भैया, हमने कहा टर्नओवर नंबर एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस क्या? अभी बताया एंजाइम क्या है। एंजाइम जैव क्रियाओं को कराते हैं, जीवों की क्रियाओं को कराते हैं। ये भी एक तरीके के उत्प्रेरक ही होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, कैटालिस्ट में एंजाइम उत्प्रेरक, बात वही है। तो जो टर्नओवर नंबर है वो किससे रिलेटेड है? एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड है। इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है पर सेकंड कितने सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, यानी जो क्रिया करने वाले हैं वो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं काय में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे भाई। तो कितने सब्सट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्थात हमने शुद्ध भाषा में लिख दिया, क्या लिख दिया? पर सेकंड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का मैक्सिमम नंबर, यानी हर एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा जितने सब्सट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे काय में? जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मेरे भाई। हटाओ दुनियादारी, टर्न ओवर। टर्न मतलब क्या होता? परिवर्तित हो जाना, इससे इसमें परिवर्तित हो जाना। तो मेरे भाई कौन किसमें परिवर्तित होगा? परिवर्तित होगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में। तो पर सेकंड जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के परिवर्तित हो जाएंगे काहे में? प्रोडक्ट में, उसे ही हम लोग कह देंगे टर्न ओवर नंबर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्न ओवर नंबर कहते हैं। ये वीडियो पता पहले एक बार पूरी वीडियो खराब हो गई भाई। ठीक है, खराब हो गई तो फिर अब आज पॉडकास्ट भी हमने 3-4 शूट किए हैं जो जल्दी आएंगे, तो अब पॉडकास्ट भी शूट हो रहे थे, लोग आज आ भी रहे थे, तो इतनी जल्दी हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हमने दोबारा से जोश में वीडियो लगाई, लाइट चली गई, मतलब 2-3 मिनट की बनी, लाइट चली गई, फिर हमने तहा के रख लिया भाई। तहा के रखने के बाद फिर सुकून से बैठ रहे 2-3 मिनट, फिर लगाई, क्योंकि पता क्या होता है एक बार वीडियो खराब होने के बाद उसी जोश को दोबारा लाना, क्योंकि कई बार लगता है यार ये बता चुके हैं, ये नहीं बताया, ये बता चुके हैं, ये नहीं बताया, तो अजीब माहौल हो जाता है। लेकिन खैर ये यूट्यूबर्स की लाइफ में होता रहता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो हमेशा कहते हैं यार तुम लोग यूट्यूबर का ऐसा ही होता है, ऊपर साइड नीचे लेकर पाएंगे पढ़ाते रहो अंधाधुंध। तो चलता है मेरे भाई, ये सब चीजें होती रहती हैं भाई। ठीक है, तो टर्न ओवर नंबर कहलाता है। काहे से लिखते हैं टर्न ओवर नंबर को सर जी? टर्न ओवर नंबर को हम लोग लिखेंगे के कैट से। सर जी ये के कैट क्या है?
के फॉर नंबर है, कैट माने कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का ये नंबर है, इसलिए उत्प्रेरक से ये कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं टर्नओवर नंबर। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है बी मैक्स अपान में ई टी। बी मैक्स अपान में क्या हो गया सर जी? ई टी, ऐसे करके लिख दिया हमने, बी मैक्स अपान में ई टी। अब कौन सी चीज क्या है ये भी आपको बताया जा रहा है। तो के कैट क्या होता है? के कैट टर्नओवर नंबर है सर जी। टर्नओवर नंबर क्या है? जितने भैया परिवर्तित हो रहा है, जितने नंबर परिवर्तित हो रहे हैं वो टर्नओवर नंबर है। वी मैक्स क्या है? वी मैक्स है मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। वी फॉर क्या है? वेलोसिटी है। मेरे भाई अगर इधर वाला जो है वो इसमें परिवर्तित हो रहा है, यानी जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, तो कितनी तेज परिवर्तित हो रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, कि पर सेकंड इतने कन्वर्ट हो रहा है, इतने कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे वी मैक्स से लिख दिया, अधिकतम वेलोसिटी हो गई। और ये ईटी क्या है भाई? ईटी का मतलब एंजाइम, खाली ई लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है, टी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ई फॉर क्या है? एंजाइम। जरा ध्यान से समझाते हैं आपको। यहां देखो, जब भी कभी क्या होता है, ऐसे करके मान लिया हमने ई लिख दिया, तो ई फॉर क्या हो गया? एंजाइम। जब ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो इस बड़े ब्रैकेट को कहते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता। सर जी, इस कंसंट्रेशन क्या होता है? सांद्रता क्या होती है? सांद्रता का मतलब कितना गाढ़ा है, उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे कभी कभी, थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल है लेकिन दिए दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि भैया हम लोग सुबह सुबह उठते हैं उल्टी आने लगती है, पेट में कुछ मान लिया नहीं है तो पानी निकलेगा, पानी वाली उल्टी, उसका कंसंट्रेशन कम है क्योंकि पतली पतली उल्टी निकल रही है। और कहीं मेरे भाई तुमने खा रखे हैं छोले भटूरे, वो सब गर्मी में बाहर आ गए, तो वो जो गाढ़े गाढ़े निकल के आए, सर जी आज कल से आपकी वीडियो नहीं देखेंगे क्या क्या बता रहे हो, तो वो जो गाढ़े गाढ़े निकल के बाहर आ रहा, सांद्रता बहुत गाढ़ी है, बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा। तो जो चीज गाढ़ी है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, ये पसीना निकल रहा कतई गाढ़ा नहीं है, इसका कंसंट्रेशन कम है मेरे भाई, सीधी सी बात है। ये पानी रखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन कतई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये यहां पर चिप्स पड़े हुए हैं, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। कंसंट्रेशन का मतलब एंजाइम कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा एक्टिव है। कंसंट्रेशन को हिंदी में सांद्रता कहते हैं, गाढ़ापन कहते हैं, उसे लिखने का तरीका होता है, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई, ठीक है। मान लिया हमने लिख दिया ए कंसंट्रेशन, ऐसे बी कंसंट्रेशन, फाइनल ईयर में इतना पता होगा, सी कंसंट्रेशन मतलब सी की सांद्रता, सी का गाढ़ापन, बी का गाढ़ापन, ए का गाढ़ापन, ई का गाढ़ापन, इस तरीके से सारे सिनेरियो चलते हैं मेरे भाई। तो ये टर्नओवर नंबर भी दो नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, वीडियो दूसरी तीसरी बार जरूर बनी है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई भी कमी आपको लग रही होगी। कल मिलेंगे 2:33 पर, आज रात में ही वीडियो बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। हमने बनाई क्या सुबह वीडियो बनाई, और फिर अचानक से जब इतने सारे लोग थे तो फिर दोबारा से इतनी जल्दी नहीं बना सकते थे, तो फिलहाल बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल फिर मिलेंगे 2:33 पे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट दे दी है मेरे भाई, कल इसकी पीडीएफ जो हमने वीडियो बनाई थी तुरंत पीडीएफ मिली टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो बीडी केडियन बीएससी, मेरे भाई बिल्कुल फ्री चैनल है, वहीं पे सारी वीडियो बीएससी की शेयर होंगी। प्योरनेस, कोई हवाबाजी वगैरह मेरे भाई, हवाबाजी वाला कोई काम नहीं करते हम, सिर्फ स्टूडेंट की हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं। वहां पर आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे, जहां जहां हम जो जो बढ़ाएंगे, और साथ में सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई।